Hi guys, welcome back to my YouTube channel and in today's video, hope you all are doing absolutely well. You already read by the title कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है. मैं अपने शॉर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड हैक्स ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना सेलेब्स की ब्यूटी हैक्स ट्राई करते हैं. सो हेयर आई एम. तो आज हम सारे ही हैक्स ट्राई करेंगे एंड रेट करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा हैक कितना वर्क करता है. तो मेक श्योर यू वॉच टिल दी एंड एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज़ माई मॉर्निंग फेस यू गाइज. उठने के एटलीस्ट एक घंटे तक मेरा फेस ना एकदम आलू की तरह होता है, लेकिन इट्स परफेक्ट फॉर माई फर्स्ट हैक, क्योंकि जो फर्स्ट हैक मैं ट्राई करने वाली हूँ ना वो हेल्प करता है आपकी आइज और फेस को डीप अप करने के लिए. तो मैं ट्राई करने वाली हूँ कैटरीना कैफ का आइस वाटर हैक, जो कि आपके ओपन पोर्सेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. तो लेट्स ट्राई दैट. सो हेयर इज माई आइस वाटर विथ मी. मुझे इसमें अपना फेस 3 बार डिप करना है. आई एम नर्वस बट लेट डू इट. आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस. लाइक मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मैंने 3 की जगह 4 बार डिप किया है अपना फेस. मुझे काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, स्पेशली समर्स के लिए ये तो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा हैक है. सो एज यू कैन सी मेरे फेस पे, तो यहाँ जो आप देख रहे हो काफ़ी क्लियर दिख रहा है, फेस काफ़ी रिफ्रेश हो जाता है, आप एकदम से अवेक फील करते हो. एंड इफ़ यू हैव ऑयली स्किन और आपके ओपन पोर्स है ना, तो ये हैक आपके लिए काफ़ी अच्छा है. तो मैं इस हैक को रेट करती हूँ 10 out of 10 एंड डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई इट अगेन. नेक्स्ट हैक इज बाय अनन्या पांडे, जहाँ पे उन्होंने DIY फेस मास्क यूज किया है. 1 tablespoon ऑफ योगर्ट हल्दी एक्चुअली इज सुपर गुड फॉर इम्यूनिटी व्हेन यू इंजेस्ट इट. सो हेयर इज माई मास्क एंड उन्होंने 1 चम्मच हल्दी यूज़ किया था, और मुझे लगता है इतनी ज़्यादा हल्दी की ज़रूरत नहीं थी. पिंच ऑफ हल्दी काम कर देगा, क्योंकि हल्दी आपके फेस को स्टेन कर सकता है, इसलिए मैंने कम डाला है. एंड नाउ लेट्स अप्लाई दिस. तो इफ़ यू आर फॉलोइंग मी माई चैनल फॉर अ लॉन्ग टाइम ना, यू नो कि मैं काफ़ी सारे DIY फेस मास्क यूज़ करती रहती हूँ, और मैं इन्हीं इन्ग्रीडियंट्स में बेसन मिला के, कॉफ़ी वगैरह मिला के फेस मास्क बनाती हूँ. तो आई ऑलरेडी यूज़ दिस, बट फर्स्ट टाइम मैं सिर्फ ये 3 इन्ग्रीडियंट का फेस मास्क यूज़ कर रही हूँ.
एंड इट्स वेरी गुड फॉर यू स्किन, क्योंकि सारे ही ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है. हल्दी एक्नेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, एंड दही आपके फेस में जितने भी डेड सेल्स होते हैं ना उनको क्लीन करती है, एंड हनी जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है आपके फेस के लिए, आपके फेस को नरिश करता है काफ़ी अच्छे से. तो ये बहुत ही एक अच्छा फेस मास्क है, तो इसको मुझे पूरे फेस पे अप्लाई करके एटलीस्ट 15 मिनट छोड़ना है. सो एंड ऑल्सो इसमें कोई भी फ्लेवर्ड आपको दही नहीं यूज़ करना है, मैंने घर का जमाया हुआ दही यूज़ किया हुआ है, और दही काफ़ी ठंडा है तो फेस पे मज़े आ रहे हैं. ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर नेक, अनन्या सर, डोंट फॉरगेट योर नेक. आई एम डन, अब मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट्स के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा. एक्चुअली इट्स मोर देन 15 मिनट, बट मैं कुछ काम करने लगी थी स्वेट की वजह से ये फुल ड्राई तो नहीं हो पाया है, बट शी सेड कि अगर आप इसको फुल ड्राई करते हो तो आप इसको एक्सफोलिएट करके भी छुड़ा सकते हो, बट बिकॉज इट्स वेट तो मैं अभी इसको वाइप ऑफ करने जा रही हूँ. Okay, so I took shower and that's how my skin look like, and it feels super soft. So I'm giving this hack a 10 out of 10 and I'm definitely gonna try it again and again. Okay, so next hack is by Hina Khan. She used aloe vera in a form of ice cube. And oh my god, जब मैंने ये hack देखा था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, because plant से direct aloe vera use करना is not my cup of tea, क्योंकि एक वो process बहुत ज़्यादा मैसी लगता है मुझे. मेरे घर में बहुत सारा एलोवेरा लगा हुआ है, बट उसको जाके कट करना, सलाइवा निकालना, यूज़ करना, प्रोसेस मुझे बहुत कंटाल दिलाती है. सो मैं प्रेफर करती हूँ जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलते हैं मैं वो यूज़ कर लूँ. एंड एक्चुअली मुझे वो प्लांट वाला एलोवेरा यूज़ करने के बाद ना स्किन पर थोड़ा सा इरिटेशन, इचीनेस भी फील होता है. सो मैंने कहा ये वाला हैक तो मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं ये कितने हद तक वर्क करता है. सो लेट्स फ्रीज द आइस क्यूब फर्स्ट. मैंने इसको रात में ही कर दिया था, तब जाके मैं अभी इसको यूज़ कर पाऊंगी, लेकिन आप प्रोसेस देख के आओ एंड देन हम यूज़ करेंगे आइस क्यूब. तो यहाँ पर मैं एलोवेरा कट कर रही हूँ. एलोवेरा कट करने के बाद मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूँगी. वॉश करके इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे किसी भी चीज़ से टिका के खड़े कर दूँगी, ताकि इसमें जितना भी वो जो ग्रीन कलर का स्लाइव होता है वो निकल जाए. वो आपको अपने फेस पे यूज़ नहीं करना चाहिए, और उसको निकालने के बाद हमें इसे कट कर लेना है. अंदर से जेल निकाल के उसे हमें आइस ट्रे में पानी के साथ डाल के फ्रीज कर लेना है. तो एक्चुअली हिना खान यूज्ड दिस एलोवेरा के ही स्लाइसेस, उन्होंने इसे स्लाइस में कट करके इसे ही डायरेक्ट फ्रीज करके और यूज़ किया था. बट एज आई से कि मुझे प्लांट से डायरेक्ट मेरे को नहीं यूज़ किया जाता, इसलिए मैंने इसे ट्रे में कन्वर्ट करके यूज़ किया. आप चाहो तो डायरेक्ट हिना खान के जैसे भी यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पे मैं अभी इसको फ्रीज करने वाली हूँ. ओके, सो आई हैव माई आइस क्यूब हेयर एंड लेट्स स्टार्ट दिस. इट फील्स सुपर गुड. आपका एक बार में दो काम निपट रहे हैं, आप आइस भी यूज़ कर रहे हो और एलोवेरा भी यूज़ कर रहे हो. एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, सो इफ़ यू आर एलोवेरा लवर ना ट्राई दिस हैक. स्पेशली समर में इतना काम कर देगा आपकी स्किन को. एंड आइस तो आपने पहले भी पहले वाले हैक में देखा कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है आपके फेस पे. तो आई रियली लाइक दिस हैक, बट आई एम नॉट गोना शो कि मैं इसको कितने दिन कंटिन्यूस कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम लेजी F. So, but I really like this hack, so I'm gonna give this 10 out of 9. It really feels so good on your skin, so. एंड आर लास्ट हैक इज़ बाय हुमा कुरैशी. शी यूज अ जेड रोलर अपने फेस को फॉर्म करने के लिए. सो फर्स्ट सॉ हर वीडियो. I'm using a face mist first. सो मैं अपने हाफ फेस पे अभी जेड रोलर यूज़ करूँगी, ताकि आपको ईजी डिफरेंस देखने के लिए मिले. जेड रोलर काफ़ी अच्छा है आपके फेस के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, एंड काफ़ी अच्छे से आपके फेस को फर्म करता है, एक शेप देता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस साइड.
सो यू कैन टेल द डिफरेंस ईजली. ये जॉलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. एंड जेड रोलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है यूज़ करना. मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में एक बार, या अब तो मैंने इसे अपने वॉशरूम में रखना यूज़ कर दिया है, तो आफ्टर मैं बाथ में कभी भी इसे यूज़ कर पाऊँ, क्योंकि मैं अंदर रखती थी मैं भूल जाती थी यूज़ करना. बट इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन. सो नाउ आई एम गोना डू दिस साइड एंड आई विल बी राइट बैक. ओके आई एम डन. एंड जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जेड रोलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद था. आई गिव दिस हैक अ बिग 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 थम्स अप एंड 10 out of 10. एंड ऑल्सो जेड रोलर आपके फेस की पफिनेस को भी दूर करता है. तो अगर आप आइस ट्राई नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे या विंटर्स में, तो आप जेड रोलर से अपने आइस की पफिनेस दूर कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई एम गोना ट्राई दिस हैक अगैन एंड अगैन. And we are done, you guys. I hope you enjoyed this video. Let me know in the comment section आप कौन सा hack try करना चाहते हो, आपको कौन सा hack अच्छा लगा. And please बताना अगर आप ऐसी और भी videos देखना चाहते हो तो. And make sure you like this video, subscribe to my channel. मिलते हैं next video में. तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, खुश रहो. I'm really grateful. यूँ ही आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है. Bye.